वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी में बहस चल रही है, बैठकों में तनातनी हो रही है, तो उधर वक्फ बोर्ड बिल पर मुस्लिम नेता भी लामबंद हो रहे हैं। जयपुर में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं का एक कार्यक्रम हुआ जिसमें दिल्ली कूच की चेतावनी दी गई है। मैंने बार बार कहा है कि इत्तेहाद के साथ काम करो। आपने अजमेर शरीफ में कर लिया, मैंने बरेली शरीफ में कर लिया, आपने जयपुर में कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे कितने जलसे होते रहते हैं, हुकूमत आपकी इन तमाम काविशों पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देगी। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। जब तक समझोगे नहीं तब तक कैसे बदलेगी हालात, समझना पड़ेगा, उस सबको समझना पड़ेगा। और आज ये मुसलमानों के मसले पर है, कल जैनियों के होगा, सिखों के होगा, बौद्धों के होगा और सनातनियों के पर भी हमला करने की तैयारी करेंगे। क्योंकि इन लोगों को धर्म से मतलब नहीं, इन्हें जायदादों से मतलब है। ये तमाम तर जायदादें जो बड़े बड़े मठों की, बड़े बड़े मंदिरों की है, इन्हें उनसे मतलब है। वहीं हिंदू धर्मगुरु देवकी नंदन ने सनातन बोर्ड के निर्माण की मांग की है। हमारे साथ महाराज धर्मगुरु देवकी नंदन महाराज जी मौजूद हैं। देवकी नंदन जी, आपने आज मांग उठाई है सनातन बोर्ड को बनाने की, ऐसी क्या जरूरत पड़ी आपको लगता है कि आप? देखिए, आजादी के बाद से सिर्फ एक बोर्ड बना जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। जी बोली बोली। आजादी के बाद से एक बोर्ड बना जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। उसे टाइम टू टाइम पावर देते गए। पहली पावर 54 में मिली, दूसरी पावर 95 में मिली, तीसरी सुपर पावर 2013 में मिली। और 2013 में क्या सुपर पावर मिली उन्हें जानते हैं आप? एक, कि जिस जगह पर वो हाथ रख देंगे वो जगह उनकी। तो कल को वो आपके घर पे रख देंगे, परसों हमारे घर पे रख देंगे, हमारे सारे मंदिरों पे रख देंगे। और मंदिरों में रख दिया तो जैसे जैसे मंदिर पहले भी कब्जा गए, वो बाद में भी कब्जा जाएंगे। इसलिए 16 तारीख को धर्म संसद बुलाई गई है, दिल्ली में बुलाई गई है, और सभी धर्माचार्य उसमें उपस्थित होंगे। सनातनियों से भी कहा गया है कि आप दिल्ली में उपस्थित होइए, सनातन धर्म बोर्ड का निर्माण करवाइए। सरकार को चाहिए कि 100 करोड़ सनातनियों के साथ न्याय करे। आपने यूपी को लेकर कहा है कि मुख्यमंत्री संत हैं, योगी आदित्यनाथ संत हैं, इसकी शुरुआत यूपी से होनी चाहिए, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अगर संत समाज मांग कर रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, संत की सरकार है, तो इस सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि सनातन बोर्ड का निर्माण यूपी सरकार सबसे पहले करके दे। और कई काम ऐसे किए जो सनातन को सुरक्षित कर सकती है हमारे यहाँ के कानून, तो वही कार्य हम आशा करते हैं।